सीजल 2022 के लिए ये वीडियो जा रहा है आपका। आंसर की आपकी आ गई है मेंस होने के बाद, और कई सारे सवाल आपके इससे लिए जुड़े हुए होंगे, तो सारा कुछ इसमें कवर किया गया है। इसमें जो पॉइंट्स कवर किए जाएंगे उसमें पहला चीज़ तो यही है कि कंप्यूटर में जितने नंबर चाहिए पासिंग मार्क्स के रिगार्डिंग वो नहीं बन पा रहा है, तो क्या कुछ हो सकता है या फिर नॉर्मलाइजेशन होके बढ़ सकता है कंप्यूटर में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जिनके नंबर अच्छे हैं और कंप्यूटर का सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो पा रहा है, उस पर बात करेंगे। नॉर्मलाइजेशन जो आपका होने वाला है क्योंकि मेंस आपका मल्टीपल शिफ्ट में हुआ था, तो क्या उसमें सेक्शन वाइज मार्क्स बढ़ेंगे, नॉर्मलाइजेशन होगा, कौन से शिफ्ट का, क्योंकि आप जब से मार्क्स आया होगा तो यही लड़ाई चल रही होगी कमेंट सेक्शन में जहाँ भी आप बात कर रहे होगे कि मेरी शिफ्ट कठिन है, तुम्हारी ये है, मेरा जीएस देख लो, तो ये एक रहेगा आपका, इस पर हम बात करेंगे। सीपीटी वाली जो पोस्ट हैं जैसे खासकर एक्साइज इंस्पेक्टर, एएसओज, और उसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 46 के लिए ट्राई कर रहे हैं जो रिपीटर्स है, तो कंप्यूटर वाला कट ऑफ क्या रह सकता है क्योंकि कंप्यूटर ने बहुत कुछ बदला है, उस पर हम बात करेंगे। अगला जो है सबसे ज़्यादा जो कॉमन सवाल, इतनी ज़्यादा भीड़ एक वही सवाल पूछती है कि मेरे इतने नंबर बन रहे हैं और क्या मुझे कोई पोस्ट मिल पाएगा, इस पर हम थोड़ा बात करेंगे और देखेंगे क्या कुछ ये सही समय है इसके रिगार्डिंग। और कई लोग ऐसे भी होंगे जो ये जानना चाह रहे होंगे कि इतने नंबर पर क्या कोई एक पोस्ट भी सिक्योर हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि आप जहाँ पर भी मार्क्स लिख रहे होंगे बहुत ज़्यादा ये रहता है, क्योंकि जब भी आप इस चीज़ों को देखोगे जो फर्स्ट टाइम होंगे उनके लिए तो बिल्कुल नया होगा, हम काफ़ी टाइम से चीज़ों को देखते आ रहे हैं, तो एक रहता है आपके साथ बहुत वो इंपॉर्टेंट। और अगली जो पॉइंट हम इसमें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर वो है टाइपिंग वाले को लेकर के, कि अगर टाइपिंग टेस्ट फेल होते हैं आप तो क्या कोई पोस्ट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। और एक ये भी रहेगा कि सर पता कैसे चलेगा कि अभी तो सिर्फ इसी के आंसर की आया है, टाइपिंग वाले का कैसे मालूम चलेगा कि पास हुए कि फेल हुए, उस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा भी कुछ अगर डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। वीडियोस रेगुलर जा रही है, सीएचएसएल की स्टेट वाइज वैकेंसीज़ की बुक, गोल्डन बुक आपको जल्दी मिल रही है, सीजीएल की स्टेट वाइज सभी पोस्टों की अवेलेबल है, कंबाइंड करके गोल्डन बुक आपको मिलेगी, पोस्ट प्रेफरेंस सीरीज स्टार्ट हो रही है, सब कुछ हम बात करेंगे। पहले हम देखते हैं इस वीडियो के अंदर सबसे पहले कंप्यूटर की बात। यार कंप्यूटर ने बहुत सारे लोगों की ऐसी तैसी कर दी है, कई स्कोरर थे जो काफ़ी अच्छे मार्क्स 21 पे, क्योंकि अब 21 का रिजल्ट आना है, रेगुलर कैंडिडेट टच में है, तो बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके मिनिमम मार्क्स जो चाहिए वो नहीं क्लियर हो पाया। देखो इस बार जो पेपर आपका था 60 नंबर का कंप्यूटर आया था, उसमें कैटेगरी वाइज इतने नंबर आपको कम से कम चाहिए तभी आपका बाकी जो नंबर है वो काउंट करा जाएगा, 390 नंबर जोड़े जाएंगे आपके। तो यार हुआ ये है कि कई जो शिफ्ट हुए हैं आपके उसमें से, मतलब अगर हम बात करें कंप्यूटर की पर्टिकुलरली, तो पेपर वाकई बहुत डिफ़िकल्ट बनाया गया। जैसे मान लो कि 20 क्वेश्चन है, कैंडिडेट ने रिस्क न लेते हुए 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन किया है, उसमें बैठ गए। तो अगर आपके साथ भी दिक्कत हुई, अगर आपके स्कोर अच्छे रहे तो कमेंट सेक्शन में डालिएगा, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा ताकि चीज़ों को लोगों तक पहुँचाया जाए और मालूम चल पाए कि वाकई ये आप ही के साथ नहीं और लोगों के साथ हुआ है। और रही बात कि नॉर्मलाइजेशन की, एक ये डाउट रहेगा आपका कि कंप्यूटर में नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा, हम उस पर बात कर लेते हैं। देखिए सीजीएल 2022 का जो मेंस है वो मल्टीपल शिफ्ट में हुआ है आपका, राइट, और आपको पता है कि जब एग्ज़ाम्स मल्टीपल शिफ्ट में एसएससी के होते हैं तो नॉर्मलाइजेशन का एक प्रोसेस है। जैसा आपने टीयर वन में देखा था, आपका टीयर वन का स्कोर कार्ड आया होगा मेंस से कुछ दिन पहले, तो आपने देखा होगा कुछ नंबर बढ़े थे आपके, तो इसमें भी बढ़ेगा मेंस का भी जो होगा नॉर्मलाइजेशन वो होगा। नॉर्मलाइजेशन अगर आप प्री का देखिए, ठीक है, तो प्री में आपके चार चीज़ें थी, चार टॉपिक आपके थे, मैथ्स था, रीजनिंग था, इंग्लिश था और जीएस था, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के आपके मार्क्स नहीं बढ़े थे, आपके कंबाइंड जो टोटल था आपका 200 में से उस पर मार्क्स बढ़े थे। वैसा ही कुछ यहाँ होने वाला है आपका, 390 में मेरिट बनेगी, तो जो भी आपके शिफ्ट में, जैसे मान लो 3 तारीख की शिफ्ट थी आपकी, 6 तारीख की या 7 तारीख की, तो टोटल जो मार्क्स आपके बन रहे होंगे उसके बेसिस पे मल्टीपल शिफ्ट में देख करके नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। सेक्शन वाइज के चांसेस नहीं है, नॉर्मलाइजेशन अगर आप पीछे के देखोगे तो आपको क्लियर हो पाएगा। अगर आप पीछे के मेंस अगर देखोगे तो मेंस अलग अलग पेपर हुआ करता था, 200 नंबर का मैथ, 200 का इंग्लिश, इसीलिए दोनों में अलग अलग बढ़ते थे। अब ये कंबाइंड एक साथ पेपर हुआ है आपका 2 घंटा 15 मिनट का, जिसमें 15 मिनट कंप्यूटर था आपका, इसीलिए कंबाइंड मार्क्स पर आपका मार्क्स इंक्रीज करेगा। एक सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो यही है कि भी कई कैंडिडेट ऐसे हैं जो 18 नंबर से बिल्कुल कम है, तो वो ये लगा के उम्मीद बैठे हैं कि क्या नॉर्मलाइजेशन का सेपरेट, कंप्यूटर का सेपरेट नॉर्मलाइजेशन कर सकते हैं। देखो यार ये एक थोड़ा सा अभी पैनिक मत होइए इसको लेकर के, आरटीआई फाइल कर दी है, ये कन्फ्यूज बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं आपके इस बार के देखोगे तो, उसके रिगार्डिंग क्या अभी एसएससी का रिप्लाई आ रहा है उसके रिगार्डिंग मैं आपको पहुंचा दूंगा चीज़ें कि कैसे क्या कुछ रहा। अभी आप पैनिक ना करिएगा, अभी आप पॉजिटिव लेके चलिएगा और घबराने की जरूरत नहीं। अभी जो नॉर्मलाइजेशन का जो रूल कहता है वो आप देख के समझ, जो मैंने बताया आप समझ पा रहे होगे, बाकी तरीका तो यही है कि अगर आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का है तो इसका आपका सेपरेट नॉर्मलाइजेशन करना चाहिए एसएससी को, और आप पॉजिटिव रहिए, घबराने की जरूरत नहीं है अभी कंप्यूटर को लेके।
कठिन शिफ्ट की बात कर ले। देखो यार, जब SSC का ये प्रनर आया आपका, कि जब भी कोई पेपर दे के आता है तो सबको अपनी शिफ्ट कठिन लगती है, शिफ्ट नहीं तो किसी को लगेगा कि जब आप कमेंट सेक्शन, मैंने अपना ग्रुप इसलिए ओपन कर रखा होता है, कुछ लोग चीज़ें उल्टा सीधा बात करते हैं, वो हटा दे कर हम, तो मैक्सिमम चीज़ें पता रहती हैं कि आप किस तरफ आपका वो रहता है, कन्वर्सेशन किस तरफ जा रहा होता है। तो जिसे आप देखोगे कि मैक्सिमम लोग यही कहेंगे कि यार मेरी शिफ्ट में GS कठिन था, आपके में कंप्यूटर कठिन था, ये चीज़ें। तो हर एक आदमी को अपना शिफ्ट कठिन लगता ही लगता है, और कुछ पर्टिकुलर लोग जब लिखते हैं तो आपको लगेगा कि हाँ यार यही चीज़ें हो रही। लेकिन अगर सही में सर्वे देखा जाए कठिन, तो अभी तक जो पता चल पा रहा है कि 3 तारीख की शिफ्ट कठिन थी आपकी। और रही बात एक दूसरी चीज़ की, तो यार बहुत ज़्यादा इसको लेकर के आप वो हो जाते हो कि यार इनकी कठिन शिफ्ट थी, हमारी आसान थी, तो मेरे कम बढ़ेंगे या मेरे माइनस में भी हो सकते हैं, उनके बहुत बढ़ जाएंगे। देखो ये पैनिक ज़्यादा ना करिएगा, बिकॉज अगर हम देख लें इस बार का पेपर, तो एवरेज अटेम्प्ट लगभग सबके आसी पास रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं देखने को मिलेगा आपको। और इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा पैनिक ना होइए, नॉर्मलाइजेशन अच्छी चीज़ है। जो कठिन शिफ्ट में रहे थे उनको थोड़ा बेनिफिट मिलता है आपका, बाकी जो इजी शिफ्ट में रहोगे बहुत ज़्यादा पैनिक इसलिए नहीं होने की ज़रूरत है, बिकॉज मैंने बताया ना नंबर ऑफ़ अटेम्प्ट आपके सबके लगभग एक जैसे, आपने देखा भी होगा कि अटेम्प्ट में ज़्यादा वेरिएशन आपका नहीं रहा है आपका, राइट। अब हम बात कर लेते हैं CPT वाली पोस्ट। CGL 2022 में जो खासकर रिपीटर्स हैं या जो लोग पोस्ट को जानते हैं, क्योंकि अभी तो आप सिर्फ नौकरी के लिए देख रहे हो, जब आप सेलेक्ट हो जाओगे, मतलब सेलेक्ट किया जब आपके कट ऑफ में मार्क्स क्लियर हो जाएगा और मार्क्स इतने आ जाएंगे कि अब लगेगा कि हाँ पोस्ट मिल पाएगी, तब आप जब पोस्ट पर नज़र मारोगे तो समझ में आएगा कि यार 46 की जो डिमांड रहती काफ़ी ज़्यादा रहती है। उसमें से खासकर ASO वाली जो पोस्ट है आपकी, खासकर डेली बेस्ड CSS हो गई, ME हो गई, रेलवे हो गई, इनके लिए जो CPT चाहिए वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस बार, बिकॉज CPT नहीं है इस बार, ठीक है। और CPT नहीं है तो उसके लिए क्या करेंगे, कट ऑफ कंप्यूटर के मार्क्स के बेसिस पे बनाया जाएगा। अब कंप्यूटर का क्वालिफाइंग है, लेकिन जब कट ऑफ आपकी आएगी तो आप देखोगे कि कट ऑफ आपको एक तो कट ऑफ मिलेगी जो CPT वाली पोस्ट है उनके लिए, एक मिलेगा आपको DEST डेस्ट के लिए कट ऑफ मिलेगी, और एक मिलेगी नॉर्मल पोस्ट के लिए। तो अब सवाल ये उठता है कि जो रिपीटर्स हैं, खासकर जो लोग 4600 के लिए जा रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा प्रॉब्लम ये क्रिएट हुआ है कि इधर 300, 320, 330 नंबर बन गए हैं, लेकिन कंप्यूटर में नंबर कम रह गए हैं, 25-30 नंबर रह गए। और अगर कहीं इन पोस्टों के लिए कट ऑफ हाई सेट कर दिया कंप्यूटर में मार्क्स कि 40, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। इसको लेके पैनिक है, मैं आपको फिर बोलूँ कंप्यूटर का पेपर मैक्सिमम लोगों का बिगड़ा है आपका, तो आप पैनिक ना होइए, 20-25 जो भी बन रहा है आपका उसको लेके पॉजिटिव रहिएगा। कंप्यूटर का पेपर आप कुछ लोगों की देखोगे कि 35-40, देखो जब होता क्या है कि अगर कोई मैसेज किसी का भी ग्रुप में आप ज्वाइन करोगे, देखोगे आप कि अगर 10 लोग 20 लोग एक चीज़ लिख रहे होते हैं तो आपको लगता है कि सभी लोग वही है। जैसे आप देखोगे कि 20 लोग के नंबर 40 नंबर आ रहा है कंप्यूटर में, 45 नंबर आ रहा है, तो आपको लगेगा सभी लोगों के नंबर इतने ज़्यादा है, तो पैनिक ना होइए। 50 लोग के अगर लिख रहे हैं तो 50 ही लोग हैं ऐसे लोग जिनके नंबर अच्छे होते हैं, वही लोग मार्क्स शेयर करते हैं। मैक्सिमम सभी के साथ कंप्यूटर को लेकर ट्रेजेडी हुई है, तो पैनिक ना होइए, कंप्यूटर का कट ऑफ कम रहेगा। और बाकी जो अदर पोस्ट है 390 में से उसी में से मेरिट जाने वाली है। एक सबसे बड़ा सवाल जो अभी सबसे ज़्यादा ग्रुप में चल रहा होगा, मार्क्स लिख के मेरी इतना मार्क्स, इतना कैटेगरी है, इतने नंबर कंप्यूटर में। पहली चीज़ तो कंप्यूटर आपका क्वालिफाइंग, कंप्यूटर के नंबर जोड़ के कई लोग मुझे पर्सनल मैसेज किए, जो लोग पुराने हैं वो लोग किए ग्रुप में डाल लोगे, कंप्यूटर के नंबर नहीं जोड़ रहे हैं, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है मैंने बता दिया आपको। बाकी अगर आप हटा करके भी जोड़ रहे हो आप, तो देखो यार अभी क्या है, बहुत ज़्यादा जल्दबाजी इन सब चीज़ों को लेके कि इतने नंबर पे मिल पाएगा, क्योंकि होता है क्या है ना, बहुत जल्दी हम इमोशनली होते हैं। अभी मैं लिख दूँ या कोई भी लिख देगा कि जैसे आप कोई बंदा कमेंट करता है किसी ग्रुप में कि सर मेरे इतने मार्क्स बन रहे हैं और क्या मुझे कोई पोस्ट मिल पाएगी, अब मिलने को हो सकता है मिल रही हो, क्योंकि अभी देखो कहानी बदलेगी, बहुत सारी चीज़ें हैं इस बार, राइट। तो पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। और किसी ने लिख दिया कि नहीं भाई, तो 10 लोगों ने लिख दिया कि इतने नंबर पे कुछ भी नहीं मिलेगा, तो यार हो जाता है ना चीज़ें, आप समझ पा रहोगे। कई लोग ऐसे हैं कि अब उसी पे लिख देते हैं, कई मैसेज ऐसे आते हैं कि भाई इतने पढ़ के भी तू इतने नंबर कम लाए, तो लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। सबके यार देखो सबकी कहानी, सब अपना अलग अलग दौर से गुजरे होते हैं, तो किसी भी चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा वो ना करिए। और आपको मैं पर्सनली खुद बोलूँगा कि आप बहुत ज़्यादा इसको लेके दिल पे ना लगाइए। बाकी अभी जब एक्चुअल कहानी जब होगी, जब SSC का रिजल्ट आएगा, राइटअप आएगा, वहाँ से एग्जैक्ट आइडिया लगाया जाता है कि कहाँ पर कितनी पोस्ट मिलेगी। और मैं देखो पोस्ट रिजल्ट के बाद, जब आपका मेंस का रिजल्ट आता था उसके बाद से लेके ज्वाइनिंग तक का पूरा प्रोसेस मैं कवर करता हूँ। तो मैं आपको बताऊँ, आप इस बात को लिख के कहीं लिख रख लो जो फर्स्ट टाइम सुन रहे होगे, कि जो भी पोस्ट आप सोच रहे होगे वो पोस्ट आप नहीं लोगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर। अभी आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, जब पोस्ट प्रेफरेंस स्टार्ट होगा, मुझसे मिलोगे आप, जुड़ोगे, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। इसलिए बहुत ज़्यादा पैनिक मत होइए, आप अपने स्कोर को रखिए, सभी के पॉजिटिव होप है। बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, कंप्यूटर का सेक्शन जो है बहुत लोगों को परेशान किया है, और उसके अलावा टाइपिंग क्वालिफाइंग है, हर भी पिछले सालों में कंप्यूटर सभी पोस्ट के लिए मैंडेटरी नहीं रहा है, राइट। तो परेशान ना होइएगा,
टाइपिंग फेल की अगर हम बात कर लें, देखो टाइपिंग कंपलसरी है सभी पोस्ट के लिए, नई चीज़ है, सभी पोस्ट के लिए जरूरी है, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा, अच्छी बात है। 2000 की डिप्रेशंस थे 15 मिनट के अंदर, इसके नंबर नहीं जुड़ने हैं, लेकिन जब मेरिट बनेगी तो मैंने बताया आपको कि DEST जो डेस्ट वाली पोस्ट है, ये कैसे मालूम चलता है ये कौन सी DEST वाली पोस्टें हैं, आपको नोटिफिकेशन देखनी पड़ेगी, पोस्ट वाली नोटिफिकेशन नहीं, वैकेंसी चार्ट देखनी पड़ेगी, उसमें लास्ट में लिखा रहता है। वीडियोस मैंने बहुत सारी करी हैं, वीडियो आपको मिलेंगी उसके रिगार्डिंग, परेशान ना होइएगा। तो अगर आप फेल होते हो तो कोई भी पोस्ट आप एलिजिबल नहीं रहोगे, पहले के सालों में अगर आप फेल होते थे तो भी आप एलिजिबल हुआ करते थे। इसके लिए कुछ रिलैक्सेशन दिया गया है, जैसे UR के लिए, OBC के लिए, अदर कैटेगरी के लिए, आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है ना। DEST के लिए ये नहीं है, ये तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ये है आपका तो 30% अदर कैटेगरी के लिए, जनरल के लिए 20, इसके लिए 25, यानी कि अगर आप 2000 की डिप्रेशन है तो अगर आप 1600 की डिप्रेशन सही करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। तो पैनिक ना होइए, इस पर भी लेकर के रहेगा आपका। एक सवाल ये भी है कि सर पता कैसे चलेगा कि मेरा टाइपिंग में मतलब पास हुआ हूँ कि फेल हुआ हूँ, क्या टाइपिंग का रिजल्ट अलग से आएगा क्या? देखो टाइपिंग का ऐसा होगा कि अभी आपके आंसर की आ गई है, जो जो क्वेश्चन गलत होंगे आप रिप्रेजेंट करोगे, SSC आपसे 100 रुपये लेगी, उसके बाद आपका राइटअप आएगा, राइट मतलब रिजल्ट आएगा, Tier 2 का रिजल्ट आएगा। Tier 2 के रिजल्ट के लिस्ट में आपको अपना नाम देखना पड़ेगा कि क्या आपका लिस्ट में नाम है कि नहीं। मान लीजिए कट ऑफ आपकी 250 जाती है या 270 जाती है जनरल की, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, और आप मान लीजिए आपके 260 बन रहे थे, 250 कट ऑफ गई और आपका लिस्ट में नाम नहीं है, तो रीज़न वही होगा कि आपका टाइपिंग नहीं क्लियर हुआ होगा, क्लियर है। तो ये चीज़ें हैं आपका, तब आपको मालूम चल पाएगा, तब तक फिर आप इसी में जियोगे, डिप्रेशन में जियोगे, और वो रहेगा रोज़ खेल यही चलेगा कि इतने नंबर है उतने नंबर है, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक आपका आंसर की नहीं आ जाता, उसके बाद भी चीज़ें रिजल्ट राइटअप नहीं आ जाता तब तक चीज़ें चलती रहेंगी। टाइम वेस्ट ना करिए, अभी आप जो भी आके एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं फोकस करिए, और ये मार्क्स का ये पोस्ट का कुछ भी ऐसा लेके ना करिए, बहुत ज़्यादा होप रखने की, बहुत ज़्यादा वो मतलब दिल से वो करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। और बहुत ज़्यादा डिप्रेस होने की भी ज़रूरत नहीं है, कोई लिख देता है आपका कि इतने नंबर पे नहीं मिल पाएगा,